Good morning dear students, myself Mahesh Poonia, I am here to teach you physics. Okay, physics, बेटा आपके physics syllabus की बात करते हैं, तो सर physics में हम जो है physics पढ़ने से पहले हमें क्या आना चाहिए, maths आना चाहिए. So we are going to start our physics portion with basic mathematics. It means there are some formulas and concepts that you have to remember and recall. Whenever we do require to solve any physics concept or any physics numerical, then we do require these basic formulas. Okay, so right now I'm going to discuss basic mathematics one by one. First of all, we are going to discuss logarithm and its formulas. See, logarithm का जो सबसे पहला जो है बेटा, एक e जो है, एक ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 2.7183, 2.7183 ई क्या है बेटा आपका, ये एक नेचुरल बेस है लॉग में. सी, अगर मैं बात करूं कि कोई लॉग का फंक्शन है, सपोज करके लॉग अक्ष जो है, तो यहाँ एक बेस होता है ना, तो यहाँ ये जो बेस होता है वो जनरली हमारा जो बेस जो होता है नेचुरल लॉग का वो ई होता है. और ई का वैल्यू कितना होता है बेटा, तो वो ई का वैल्यू होता है 2.7183. अगर मैं बोलता हूँ कि लॉग अक्ष इक्वल्स टू वाई, तो ये लॉग का जो अक्ष है उसका लॉगरिथम वैल्यू है ई बेस पे वो वाई है. ठीक है, तो ये ऐसा आपको, अगर मैं बात करता हूं कि सपोज e रेस्ट टू पावर x इक्वल्स टू y, e की पावर, e जो है बेस है उसका पावर जो है x है तो वो y है, तो अगर मैं इसको एंटी लॉग लूंगा तो क्या लिखूंगा कि यहां से अगर मैं एंटी लॉग लेता हूं तो मैं बेटा आपको अगर e रेस्ट टू पावर x इक्वल्स टू y, देन y इक्वल्स टू log x, log y इक्वल्स टू x कैसे होता है मैं आपको बताता हूं. यहां थोड़ा सा देखना, अगर मैंने बोला कि सर e की पावर x इक्वल्स टू y है, तो मैंने एंटी लॉग लिया दोनों तरफ, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, log लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा log e बेस पे e रेस्ट टू पावर x इक्वल्स टू log y. टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, अगर मैं बोथ साइड से एंटी लॉग लेता हूं तो मैं लिखूंगा लॉग ई बेस पे ई रेस्ट पर, और ये ई एज इट इज वाई, ठीक है, बेस सेम है. अगर मैं बात करता हूं कि बेटा ये जो है ये एक्स है, तो देखो ये एक और प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट फॉर्मूला है कि लॉग एक्स की पावर एन है, तो यहाँ लॉग ई की पावर एक्स है तो एक्स बाहर आ जाएगा, तो ये एक्स बाहर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा एक्स लॉग, आपका ये जो नया बनेगा वो बनेगा एक्स लॉग ई बेस ई इक्वल्स टू लॉग वाई, ठीक है. अगर मैं बात करूं कि e के बेस पे e का वैल्यू, तो अगर आपसे बोलूं कि मैं इस चौक स्टिक, सपोज कर रहा हूं आई एम कंसीडरिंग टू चौक स्टिक्स सिमिलर, ओके, मैं आपसे बोलूं कि इसकी लेंथ जो है, इस चौक स्टिक की लेंथ इसके करस्पॉन्डिंग कितने टाइम्स है, तो आप बोलोगे सर सिंगल टाइम्स है, मतलब इसके बेस पे मैं इसी को मेजर कर रहा हूं. अगर मैं इस चौक स्टिक के बेस पे इस बोर्ड का मैं हाइट मेजर करता हूं, तो आप बोलोगे सर वो हो सकता है 10 times हो, 15 times हो, बट अगर मैं बोलूं कि इस चौक स्टिक के बेस पे, इसी के बेस पे मैं इसी को मेजर करूंगा, तो क्या होगा, यूनिट होगा. इट मीन्स आपका अगर बेस और लॉग का वैल्यू सेम हो तो वो क्या होता है, अगर मैं बात करूं लॉग ए बेस पे ए का वैल्यू, तो वो कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो लॉग ई बेस पे ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो 1 हो जाएगा, तो आपका ये क्या बन गया बेटा, यहां से बन गया x इक्वल्स टू लॉग वाई, अब बेस क्या होगा, ई होगा, है ना. तो ये ऐसा बोला गया है कि इफ e रेस्ट टू पावर x इक्वल्स टू y, देन एंटी टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, देन वी विल गेट लॉग या x इक्वल्स टू log y, e बेस पे y. अगर सपोज करके मेरा बेस 10 हो जाए, तो मैं बोलूंगा 10 रेस्ट टू पावर x इक्वल्स टू y, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, देन वी विल गेट x इक्वल्स टू log y, बट बेस क्या होगा, जो x की पावर में जो है वो बेस होगा, यहाँ 10 बेस हो जाएगा, यहाँ e की पावर x था तो बेटा e बेस हो गया, है ना. नेक्स्ट प्रॉपर्टी log का, कि log के अंदर आपके फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, जैसे log a * b है, log a * b है, तो हम अगर इसको हम इसको सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये फार्मूला log a + log b, या log a + log b हो तो हम उसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है कि लॉग के अंदर आपके जो फंक्शन है वो डिवाइड का फंक्शन है, लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, देन वी विल रिप्लेस इट बाय लॉग ए माइनस लॉग बी, अगर लॉग ए माइनस लॉग बी हो तो भी हम इसको वाइस वर्सा भी ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला आपका जो लॉग का प्रॉपर्टी है वो है कि लॉग एक्स रेस्ट टू पावर एन इक्वल्स टू एन लॉग एक्स. अगर मैं आपसे बात करूं कि लॉग, सपोज कर कि आपका पी की पावर क्यू है, तो आप इसको लिख सकते हो कि क्यू जो है बेटा पावर की पावर, लॉग के फंक्शन की पावर है, तो ये आगे आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्यू लॉग p, q log p, है ना. तो ये सिंपली अगर आपके फंक्शन की पावर है तो पावर आगे आ जाएगी और वो फंक्शन एज इट इज रहेगा, जो पहले से था, बेस जो भी था सेम बेस रहेगा, ठीक है. सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम व्हिच वी विल यूज व्हाइल वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिक्स. ओके, सी नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस.
क्या आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड आई थिंक दैट यू हैड डिस्कस्ड ट्रिगोनोमेट्री अ लिटिल बिट इन 10th स्टैंडर्ड. ओके सो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है बेटा ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्राइंगल, ट्रिगोनो का मतलब होता है बेटा ट्राइंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट. मतलब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे आपको मेजरमेंट्स लेने हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे आपको क्या लेना है मेजरमेंट्स लेने हैं. सपोज करके ये वाला अगर मैं थीटा एंगल कंसिडर कर रहा हूँ तो इस थीटा के सामने वाला साइड होता है बेटा परपेंडिकुलर होता है. कौन होता है परपेंडिकुलर, ये वाला बेस हो गया तो ये क्या हो गया हाइपो हो गया. अच्छा पाइथागोरस से मैं बोल सकता हूँ कि सर हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अच्छा इसी के रेशियोज के करस्पॉन्डिंग, इसी के रेशियोज के करस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आते हैं साइन कोस टेन साइन थीटा कोस थीटा साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कोट सेक और कोसेक. ओके सर देर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये सबके प्रॉपर्टीज क्या थीटा है. अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला हाइपो, अगर ये वाला थीटा कंसीडर करूंगा तो ये वाला बेस हो जाएगा ये वाला हाइपो हो जाएगा. लेकिन मैं इसी थीटा के करस्पॉन्डिंग अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो साइन थीटा होता बेटा पी बाई एच, साइन थीटा होता पी बाई एच. अच्छा कोस थीटा होता है वो तो बी बाई एच होता है, कौन होता है बी बाई एच होता है. अच्छा टेन थीटा जो होता है वो बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का रेशियो होता है, ये आपने टेंथ में प्रूव किया होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करूंगा तो यहाँ से पी बाई एच डिवाइडेड बाई बी बाई एच तो ये क्या बन जाएगा बेटा पी बाई बी. टेन थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल कोट होता है तो ये क्या हो गया 1/10 थीटा लिख सकता हूँ और 1/10 थीटा लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा b बाई पी बेस बाई परपेंडिकुलर. sec थीटा जो है बेटा 1/ cosec थीटा होता है, कौन sec थीटा जो होता है 1/ cos थीटा होता है और 1/ cos थीटा करूंगा तो बेटा ये h बाई बी हो जाएगा हाइपो बाई बेस. और cosec थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है किसका sin थीटा का, sin थीटा का रेसिप्रोकल बात करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा h बाई पी हो जाएगा h बाई P. ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है जो आपने 10th में पढ़े होंगे. अच्छा सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस तो हो गए, हम जो है ये रेशियोस है, ये क्या है रेशियोस है बेस और हाइपो. अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ है तो इसका मतलब क्या है कि सर उसका परपेंडिकुलर और हाइपो का जो रेशियो है वो हाफ है. तो हम इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे. तो द वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1. हो सकता है कि मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर मान लो कि 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री तो ये क्या होना 1 होना है. ये आइडेंटिटी हम प्रूव कर चुके हैं है ना. साइन का फंक्शन है उसका स्क्वायर है प्लस कोस के फंक्शन का स्क्वायर है तो ये क्या होता है 1 होता है. जरूरी नहीं कि मैं इसको ऐसा लिखूं कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर बोथ आर सेम थिंग्स बोथ आर सेम. अच्छा नेक्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं इनको थोड़ा सा शिफ्टिंग करूंगा लेफ्ट एंड राइट में. हो सकता है कि अगर इस 1 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा है ना. तो ये आपको शिफ्टिंग के साथ आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हमें कौन सा आइडेंटिटी और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. अच्छा नेक्स्ट बात करता हूं तो बेटा आपका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा है ना. 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर. ये आपने पढ़े हैं कब, ये आपने पढ़े हैं 10th स्टैंडर्ड में. अब जो हमारे जो कॉमन फॉर्मूलाज है जो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि बेटा 11th में जो फिजिक्स है वो मैथ्स वाला स्टूडेंट भी पढ़ता है और बायो वाला भी. सपोज कि मैथ्स वाला स्टूडेंट तो मैथ्स में ये सब चीजें फिर से पढ़ लेगा लेकिन बायो वाला स्टूडेंट कहाँ पढ़ेगा. तो उसको मैं ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये सब फॉर्मूलाज. साइन टू थीटा का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सी जगह हम यूज करेंगे, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा है ना. तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला है टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा. अगर हो सकता है अगर मान लो मैं साइन थीटा होता तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ ना. तो कई बार ऐसा प्रॉपर्टी भी यूज करने की जरूरत पड़े तो हम लिखेंगे इसको 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2. हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे तो फॉर्मूला नया चेंज हो जाएगा है ना करस्पॉन्डिंगली. अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं 2 कोस थीटा, कोस 2 थीटा का बात करते हैं. साइन 2 थीटा का है 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. आपको सबके सब फॉर्मूले याद रखने चाहिए. जैसे ही मैंने पूछा रात में भी खड़ा किया और पूछा बेटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला तो आप बोलोगे सर किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस के फॉर्म में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और साइन कोस दोनों के फॉर्म में तो आप बोलोगे सर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा.
अच्छा उसके बाद आते हैं ए प्लस बी के फॉर्मूलाज। क्या आते हैं बेटा? ए प्लस बी के फॉर्मूलाज। इट मीन्स आपको हो सकता है कि आपका साइन का जो वैल्यू ऐसा दिया हो कि साइन आपको दिया हो 75 का वैल्यू चाहिए आपको। किसका चाहिए? 75 का वैल्यू। अब साइन 75 का वैल्यू हमारे करस्पॉन्डिंग हमें नहीं पता, क्योंकि हमने पढ़ा है 0 से 90 में वैल्यूज पढ़े हैं, तो हमने 0 पढ़ा है, 30 का वैल्यू पढ़ा है, 45 पढ़ा है, 60 पढ़ा है, 90 पढ़ा है। अच्छा 75 का वैल्यू नहीं पता, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन 30 प्लस 45, लिख सकता हूं ना 30 प्लस 45। अच्छा साइन 30 का वैल्यू मुझे पता है, साइन 45 का वैल्यू पता है, तो मैं उसको आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं इजीली। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था बेटा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा? साइन ए कोस बी। देखो यहां प्लस है तो यहां प्लस है, यहां माइनस है तो यहां माइनस है। तो साइन के फॉर्मूले साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर साइन ए माइनस बी हो तो आप बोलोगे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अच्छा सेम फॉर्मूला अगर कोस ए प्लस बी का हो, कोस ए प्लस बी का हो तो कोस में फंक्शन साथ साथ चलता है, साइन अपोजिट चलता है। तो आप बोलोगे सर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर कोस ए माइनस बी का हो तो आप बोलोगे सर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान रखना साइन में फॉर्मूला जो है उसके में साइन जो है, साइन के जो साइन है वो सेम होते हैं, कोस के जो साइन है वो अपोजिट होते हैं। अगर कोस ए प्लस बी है तो फॉर्मूला में क्या होगा? कोस ए कोस ए कोस बी माइनस होगा। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अगर सिमिलरली टेन टू थीटा की बात करें तो होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा का फॉर्मूला जो है बेटा वो क्या है? टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो तो आप बोलोगे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। अगर टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो तो आप बोलोगे सर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ऊपर फॉर्मूला साइन वही चलेगा जो यहाँ साइन है, सेम साइन ऊपर चलेगा, नीचे जो है अपोजिट साइन चलेगा। तो टेन ए प्लस 10b upon 1 minus 10a 10b। अगर 10a minus b का फॉर्मूला हो तो आप बोलोगे कि सर 10a minus 10b upon 1 plus 10a 10b। अच्छा सर ये तो हमारा जनरल बात हुआ फॉर्मूलाज को लेके। अब कई बार बेटा आपने जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो आपका एंगल जो वेरी कर रहा था वो 0 से 90 तक था। आपका एंगल कितना था? 0 से 90। 90 से बड़ा एंगल आपने नहीं देखा होगा, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं एंगल कितना हो सकता, तो इसका रेस्पेक्ट में इसका एंगल हो सकता है बेटा 360 डिग्री तक हो सकता है। कितना हो सकता है? 360 डिग्री। मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 टू 360 हो सकता है। अब आपसे तो जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि साइन का वैल्यू बताना है 270 पे। किस पे? 270 पे आपको साइन का वैल्यू बताना है 135 पे। आप बोलोगे सर हमने तो 270 एंगल देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। एंगल तो देख सकते हैं ना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? ये 270 एंगल देख, इधर से 270 है ना, और 135 की बात करूंगा बेटा ये आपका 90 है, तो ये आपका 135 हो जाएगा, है ना। तो अब आप बोलोगे कि सर हमें 135 70 ये सब का वैल्यूज हम रखें कैसे? बट उससे पहले आपको 90 तक के वैल्यूज के डेटा पता होना चाहिए। तो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू देयर एंगल्स बिटवीन 0 टू 90, बिटवीन 0 टू 90 हियर द थीटा एंड फंक्शन, ठीक है। अगर मैं थीटा की बात करता हूँ तो थीटा अगर मेरा 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, मेरा 45 हो सकता है, मेरा 60 हो सकता है, 90। इतना आपको बेटा याद रखना पड़ेगा वैल्यूज। मैं यहाँ लिखता हूँ साइन कॉस और 10, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर साइन कोस 10 का वैल्यूज मुझे पता है, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है। साइन का वैल्यू जो होता है बेटा 0 पे 0 होता है, साइन का वैल्यू 30 पे जो होता है वो बेटा हाफ होता है, साइन का वैल्यू 45 पे 1/√2 होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप लिखोगे 0/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट, ये ट्रिक है याद रखने का, 3/4 का स्क्वायर रूट और 4/4 का स्क्वायर रूट। तो ये हमें साइन के वैल्यूज देगा। किसके वैल्यूज देगा? साइन के वैल्यूज देगा। और साइन का उल्टा करके लिखूंगा मैं रिवर्स प्रोसेस से, तो वो क्या हो जाएगा? कोस के वैल्यूज हो जाएंगे। तो ये आपका ये हो गया, ये आपका हो जाएगा बेटा √3/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब जो साइन 90 पे है, सी मैं अगर आपसे बात करूं कि जो कोस का फंक्शन है वो साइन से ही 90 लीड करता है, कैसे है? अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट होते तो थोड़ा बहुत आपको पता चलता कि साइन का फंक्शन ऐसे चलता है, साइन का फंक्शन ऐसे चलता है। बट कोस का फंक्शन जो है वो साइन से ही 90 आगे होता है। इट मीन साइन का वैल्यू जब 0 होता है डिग्री में, तो कोस का वैल्यू बेटा ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 360 डिग्री है, ठीक है। मैं साइन, अच्छा कोस की बात करूं तो जब साइन 0 डिग्री पे होता है तो कोस ऑलरेडी 90 डिग्री लीड करता है, किसको? साइन को। तो कोस का फंक्शन ऐसे चलता है। अब जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम हुआ 90 पे, तो कोस का वैल्यू मिनिमम हुआ, तो ये साइन का फंक्शन जो है बेटा वो ऐसे चलता है। मतलब ये येलो वाला किसका फंक्शन है? कोस का फंक्शन है ना। और ये व्हाइट वाला किसका है?
साइन का फंक्शन, ये भी हम पढ़ेंगे जब हम आपको 12th में अल्टरनेटिंग करंट या वेव्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे या ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, तो हम ये फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स ओनली। ओके, अब आपने लिखा वैल्यूज, तो सर कोस 0 का वैल्यू बेटा 1 होता है, कोस 30 का वैल्यू साइन 60 के इक्वल होता है, वो रूट 3/2 होता है, ये 1/√2 सेम वैल्यू होता है, ये हाफ होता है और ये 0 होता है। अच्छा टेन 0 का वैल्यू, सर टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है बेटा, टेन थीटा वो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सर इसको डिवाइड कर लो साइन को इसको 0 से किया तो ये 0 हो जाएगा बेटा, ये हाफ को इससे इससे डिवाइड किया तो ये 1/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये बेटा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इट मींस कि आपको इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट कोई चीज इनफाइनाइट नहीं हो सकती सर, डिपेंड करता है कि टू विच वी आर गोइंग टू कंपेयर, टू विच वी आर गोइंग टू कंपेयर, कि हम किसको किससे कंपेयर करते हैं इस पे डिपेंड करता है, इट मींस इनफाइनाइट इट्स अ रिलेटिव टर्म, इनफाइनाइट इट्स अ रिलेटिव टर्म। अच्छा आपको ये 0 से 90 तक के एंगल के करस्पोंडिंग आपको पता है साइन कॉस टेन के वैल्यूज पता है, ये हमारे वेल नोन जनरल एंगल्स थे। अब क्या होगा बेटा हमारे 11th में या 12th में बात किया जाए तो एग्जामिनर का जो फेवरेट एंगल है वो कौन है, 37 और 53 है, जो एग्जामिनर है उसका फेवरेट एंगल कौन है, 37 डिग्री हो सकता है या 53 डिग्री हो सकता है, सी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ना, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इट मींस द एंगल्स व्हिच हैव द सम ऑफ इक्वल टू 90, अगर दो एंगल है जिनका दोनों का सम 90 है तो वो कौन से होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो 37 और 53 हम वाइडली यूज करेंगे 11th और 12th में, जनरली हमारे को एंगल मिलेंगे वो 37 या 53 मिलेंगे, तो इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कैसे होते हैं तो उसको याद रखने का एक ट्रिक है बेटा, 37 और 53 को याद रखने का आपको क्या करना है, 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, मैं आपको बताता हूं कैसे। सपोज करके ये कैसे, तो ये वाला अगर अगर साइड 3 है, ये वाला 4 है, ये वाला 5 होगा, बाय डिफॉल्ट 5 होगा, अगर मान लो कि ये वाला 4 है तो सपोज कर ये 4 है और ये 3 है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना तो बेटा थोड़ा समझ में आएगा, ये मान लो ऐसे। अच्छा आप बताइएगा आप मुझे, ये 4 है ये 3 है, तो अगर ये वाला साइड बढ़ रहा है तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो इट मींस ये 4 है ये 3 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, बड़ा एंगल होगा, और ये बड़ा होगा तो ये कितना होगा बेटा, ये 53 होगा, ठीक है, तो ये वाला कितना होगा, तो सर ये बाय डिफॉल्ट 37 होगा, वी नो द इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, सो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल, इट मींस ये 90 तो ये 53, तो ये मैंने कितना 37। अच्छा सर यहां से मैं वैल्यूज इजीली लिख सकता हूं कि मैं आपसे बोलूं कि साइन 37, साइन 53, कॉस 37, कॉस 53, टेन 37 और टेन 53, आपको वैल्यूज लिखने हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। नाउ वी हैव टू राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स टू द करस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 37 एंड 53। वी नो साइन इक्वल्स टू पी बाय एच, इट मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपो, कॉस इक्वल्स टू बी बाय एच, बी बाय एच इट मींस बेस बाय हाइपो, एंड टेन इक्वल्स टू पी बाय बी, पी बाय बी। अब हमें जो वैल्यू रखना है वो 37 का वैल्यू रखना है, 37 कौन साइन, अच्छा साइन को अगर मैं 37 देखता हूँ तो 37 करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 37 के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन, तो सामने वाला बेटा एंगल के सामने वाला साइड जो है राइट एंगल ट्राइंगल में वो परपेंडिकुलर होता है, तो अगर मैं बात करूँ तो 3/5 साइन का वैल्यू 37 कितना 3/5 3/5। अच्छा अगर मैं बात करूं 53, 53 के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन हो गया 4, तो 4/5। अच्छा कोस 37 की बात करता हूं तो कोस 37 होता है बेटा, कोस जो होता है वो बी बाई एच होता है, तो 37 का बेस कौन 4/5। और मैंने आपको बोला कि जो साइन 30 का वैल्यू है वो कॉस 60 होता है और कॉस 60 का साइन 30, मतलब रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर मैं साइन 37 की बात करूंगा तो साइन 37 का वैल्यू इक्वल है किसके, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉस के, तो साइन 37 का कॉम्प्लीमेंट्री 53 और कॉस 53 सेम होगा 3/5, ठीक है, जैसे साइन 53 का कॉम्प्लीमेंट्री 37 है तो साइन और कोस के वैल्यूज सेम होंगे। अच्छा टेन की बात करता हूँ तो टेन होता है पी बाई बी, टेन होता है पी बाई बी, तो एक बार 3/4 और एक बार 4/3। अच्छा याद ना रहे तो थोड़ा सा सोचना कि टेन 45 का वैल्यू 1, टेन 45 का वैल्यू 1, अब टेन 45 से 37 और 53,
37 जो है एंगल छोटा है तो वैल्यू भी छोटी होगी, छोटी कौन है 3/4.75 है विच इज लेस देन 1 एंड 4/3 इज 1.33 विच इज ग्रेटर देन 1 सो एंगल आल्सो शुड बी ग्रेटर देन 45. ओके दीज आर द बेसिक एंगल्स ऑफ 37 एंड 53 एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. अच्छा सर हम बात करते हैं कि हमारा जो एंगल है वो 90 से बड़ा एंगल हो जाए, क्या हो जाए 90 से बड़ा एंगल हो जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके वैल्यूज, हम उसके वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो बेटा मैं आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझाता हूँ पहले. देयर आर ये जो क्वाड्रेंट है ठीक, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, 270 डिग्री और ये 0 या 360 भी बोल सकता हूँ, है ना. फिर वापस से रिपीट हो जाएगा, फिर वापस से रिपीट हो जाएगा. अच्छा मेरे को जो एंगल है वो इस डायरेक्शन में मेजर करना है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. मैं एंगल को पॉजिटिव लूंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव लूंगा. अच्छा सर अब आप बात करते हैं, सर हमारा जो एंगल है कौन प्लेन एंगल है. सी एंगल को हम किस में मेजर कर सकते हैं, एंगल को हम डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं और रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं. बट मैं इस चैप्टर के बाद में आपको पढ़ाऊंगा कि फंडामेंटल यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट में ये जो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट कौन है, एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल. तो उसकी जो यूनिट इंटरनेशनल यूनिट है बेटा वो रेडियन है, क्या है रेडियन. जबकि हम किस में पढ़ते हैं अब तक, अब तक हमने एंगल पढ़ा है सर डिग्री में, हमने एंगल पढ़े हैं लेकिन अब इसका जो इंटरनेशनल यूनिट है, किसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है एंगल मेजर करने का प्लेन एंगल का, वो रेडियन है. वो क्या है रेडियन है. सर रेडियन में और डिग्री में क्या रिलेशन होगा, तो आपसे बोला गया है कि पाई जो रेडियन है वो 180 डिग्री होता है. पाई रेडियन कितना बेटा, तो 180 डिग्री. अच्छा पाई का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे सर पाई का वैल्यू हमने तो पढ़ा 3.14, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है. ये क्या वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है. अगर मैं पाई का डिग्री में बात करूं ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है इसका, अगर मैं डिग्री में बात करता हूं तो इसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, इसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, है ना. तो मैं आपसे बोलूं कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग डिग्री एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 180 डिवाइडेड बाय 3.14 वी विल गेट अराउंड 59, अराउंड 59. तो पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो मतलब मैं 0 को 0 डिग्री रेडियन भी बोल सकता हूं, 0 डिग्री को क्या बोल सकता हूं 0 रेडियन भी बोल सकता हूं. तो 90 डिग्री को मैं क्या बोल सकता हूं, पाई बाय 2 बोल सकता हूं. क्या बोल सकता हूं, पाई बाय 2. क्यों, क्योंकि सर पाई इक्वल्स टू 180, तो मुझे 90 चाहिए तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, हो गया ना पाई बाई 2. अच्छा 180 को क्या बोल सकता हूं मैं, पाई बोल सकता हूं. अच्छा 270 को क्या बोल सकता हूं, 3 पाई बाई 2 बोल सकता हूं, है ना. पाई बाई 2 90 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 270, और इसको क्या बोल सकता हूं 2 पाई भी बोल सकता हूं. 360 को क्या बोल सकता हूं, 2 पाई बोल सकता हूं. तो ये आपके एंगल्स हुए कि आपका एंगल जो होगा वो 360 पे आके वापस रिपीट हो जाएगा, 360 पे आके वापस रिपीट हो जाएगा. अच्छा सर अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज कैलकुलेट कैसे करेंगे, कि हमारा सपोज करो कि हमारा एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो गया, एंगल जो है वो 90 से बड़ा और कुछ भी हो सकता है ठीक है. अच्छा सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है. सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट को तो हमने डिवाइड कर लिया, आपसे बोला जाए कि आपका जो एंगल है वो 135 है, 135. तो आप बोलोगे सर ये तो 190 और 180 के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में. आपसे बोला जाए कि 263 वैल्यू कितना है, 263. तो आप बोलोगे कि सर ये तो 263 विच इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270, सो इट विल लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना. आपसे बोला जाए कि सर आपका जो एंगल है बेटा वो आपका -60 डिग्री है, आपसे क्या बोला गया -60. तो आप बोलोगे सर -60 मींस अगर मैं इधर जाता तो प्लस होता, तो इधर आ रहा हूं तो माइनस हो रहा है, और -90 भी बोल सकता हूं यहां, है ना. तो -60 विच इज ऑल ग्रेटर देन -90, -60 इज ग्रेटर देन -90, सो इट विल लाई ओवर हियर. तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें है फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो आपको दोनों साइड देखना है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो, किसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो तो एंगल को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और क्लॉकवाइज आ रहे हो तो हम एंगल को नेगेटिव कंसिडर करेंगे ठीक है. अच्छा आगे बात करते हैं कि सर आपने ये जो क्वाड्रेंट बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वी विल आइडेंटिफाई देन इन विच क्वाड्रेंट द आवर एंगल गिवन एंगल इज लेइंग ऑन ठीक है. अच्छा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अब मैं आपको बात बताता हूं कि आपको कैसे याद रखना. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बोलना है ASTC, आपको क्या लिखना है ASTC. ASTC का मतलब A stands for ऑल पॉजिटिव, A stands for ऑल पॉजिटिव, मतलब आपके
जीरो से 90 के बीच, जीरो से 90 के बीच इफ द एंगल, इफ द ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल इज जीरो बिटवीन जीरो टू 90, देन ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैव पॉजिटिव वैल्यू बिटवीन एंगल जीरो टू 90। मतलब जीरो से 90 के बीच में अगर आपका एंगल है तो उसके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कोटसेक कोसेक ऑल सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैव वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव, सर सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? तो एएसटीसी, एस का मतलब सर साइन, और साइन का अपोजिट कौन? तो बेटा कोसेक। साइन और कोसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग फोर, रिमेनिंग फोर विच वन? रिमेनिंग फोर कॉस टेन कॉट और सेक, रिमेनिंग फोर विल नेगेटिव, रिमेनिंग फोर विल नेगेटिव। मतलब अगर आपका एंगल जीरो से 180 के बीच में एंगल है तो सिर्फ साइन और साइन का अपोजिट ही पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सबके सब नेगेटिव होंगे। अच्छा सर, तीसरा वाला जो क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? तो सर टेन और टेन का, ए देखो ए स्टैंड्स फॉर ऑल, एस स्टैंड्स फॉर साइन और साइन। अगर मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि एक्स अगर पॉजिटिव है, एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स का रेसिप्रोकल 1 बाय एक्स भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा ना। सिमिलरली ए एस टी सी, ए स्टैंड्स फॉर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैव पॉजिटिव वैल्यू वेयर इज द एंगल बिटवीन 0 टू 90। सी एस स्टैंड्स फॉर साइन, एंड साइन और साइन का रेसिप्रोकल, अगर एक्स पॉजिटिव है तो 1 बाय एक्स भी पॉजिटिव होगा, तो साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैव वैल्यू नेगेटिव इफ द एंगल लाइज बिटवीन 90 टू 180। The third one is 10. AST stands for 10, और 10 का opposite बेटा कौन? Cot. तो 10 और cot के trigonometric functions जो है 180 से 270 के बीच में positive value होती है, बाकी सब क्या होते हैं? Negative. Remaining 4 negative. अच्छा, यहाँ कौन बच गया? Sir, AST, C stands for cos. C stands for cos, और cos का opposite बेटा sec. तो cos और sec इसमें, इस function में क्या होते हैं? Positive होते हैं. क्या होते हैं? Positive होते हैं. अच्छा, ये आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि सर पहले क्वाड्रेंट का मतलब है जीरो से 90 के बीच एंगल है तो सबके सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर आपका एंगल 90 टू 180 लाई कर रहा है, इट मींस साइन एंड द रेसिप्रोकल ऑफ साइन व्हिच इज कोसेक हैव पॉजिटिव वैल्यू, वेयर एज द रिमेनिंग ऑल रिमेनिंग 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस विल हैव नेगेटिव वैल्यू, सिमिलरली लाइक इन दिस आल्सो। सी, अगर मैं बात करता हूं कि बेटा ये वाला जो है, ये वाला, तो इसको करस्पॉन्डिंग, इसको ध्यान में रखते हुए वैल्यूज आपको लिखना कैसे है वो आपको सिखाते हैं, वैल्यू लिखना। अच्छा सर, हमारा जो क्वाड्रेंट है वो कुछ कुछ ऐसा हो जाए, सपोज करके मैं थीटा ना बोल के मैं इसको बोलूं कि साइन जो है वो माइनस थीटा बोलूं, साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? आपसे बोलूं अच्छा थीटा की वैल्यू ले लो यार माइनस 30 ले लो, साइन क्या ले लो? माइनस 30 ले लो। अब आप बोलोगे कि सर माइनस 30 इसका मतलब, तुम सर अगर मैं 30 जाता तो क्लॉकवाइज, और विच विल कंसिडर एज पॉजिटिव, तो मैं कैसे जा रहा हूँ? नेगेटिव में जाना है मुझे 30, नेगेटिव में जाना 30, तो नेगेटिव में 30 आया, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फोर्थ। और फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, इट मींस माइनस साइन 30, माइनस साइन 30। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट के वैल्यूज तो आपको लिखना आ जाएंगे। अच्छा, बात करूं तो कोस की बात कर लेता हूं, तो कोस माइनस 30 की बात करूंगा, तो आप बोलोगे सर ये माइनस एंगल का मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोस फोर्थ में, कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सर डायरेक्टली आप लिखोगे कोस 30। क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि हम वी ऑल नो दैट कोस इफ द एंगल इज बिटवीन 270 टू 360 और एंगल लाइज बिटवीन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन कोस एंड रेसिप्रोकल ऑफ कोस हैव पॉजिटिव वैल्यूज वेयर एज रिमेनिंग 4 हैव नेगेटिव वैल्यूज। तो साइन पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव है। ऐसे में आपसे पूछू कि sec माइनस 30, तो sec रेसिप्रोकल ऑफ कोस विल sec 30, sec 30। अगर cot की बात करता हूँ, cot माइनस थीटा होता मान लो, तो आप क्या लिखते थे? माइनस cot थीटा, माइनस cot, सिंपल है ना, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। अच्छा, मैं आपको वैल्यूज लिखना सिखाता हूँ, आपको वैल्यूज लिखना सिखाता हूँ। सपोज करके आपका कोई एंगल है, कोई भी एंगल है, वो मान लो कि आपका कोई भी एंगल है, तो उसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि n into 90 प्लस माइनस थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूं। जैसे मैं बात करता हूं 135, बात करता हूं 135 डिग्री की बात करते हैं। सर 135 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 90 into 1 लिख सकता हूं प्लस 45। बोल सही है कि नहीं? तो आप बोलोगे सर सही है। दूसरा स्टूडेंट ये बोले कि नहीं सर मैं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 90 into 2 minus 45। बात तो सही है, दोनों का बात तो सही है।
अच्छा सर, एक ने लिखा 90 इंटू 1 प्लस 45, दूसरे ने लिखा 90 इंटू 2 माइनस 45। सही बात है बेटा कि ये 135 का ये एंगल है, तो ये जरूरी थोड़ी ना आप कोई बोले सर 180 में से 45 हटा दो, कोई बोलेगा सर 90 में 45 ऐड कर दो, बात तो सेम है, दोनों का वैल्यूज भी सेम आएगा। अब हम इसका वैल्यूज लिखेंगे कैसे, अब हम इसका वैल्यू लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसके आगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कोई भी फंक्शन हो सकता है। मैं लिखता हूं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, त्रिकोण का फंक्शन हो सकता है। इट मींस वी आर हैविंग सिक्स फंक्शंस, साइन कॉस टेन कोट से कोसेक। आपको कोई भी फंक्शन हो वो बाद की बात है, पहले ये आपको इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए, उस एंगल को इस जो आपका गिवन एंगल है उसको इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए। अच्छा आप बोलोगे सर मैंने इस फॉर्म में एंगल को लिख लिया, इस फॉर्म में मैंने एंगल को लिख लिया। अच्छा इस फॉर्म में मैंने एंगल को लिख लिया, तो आप सोचना कि एन जो है वो क्या है, इंटीजर है। एन क्या है, इंटीजर। एन क्या है, एन इंटीजर है, तो एन का वैल्यू क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर ओड और इवन दो हो सकता है। कौन हो सकता है, ओड हो सकता है या इवन हो सकता है। ठीक सर, आप बोलोगे सर वो तो हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम उसको किस टाइप से लिख रहे हैं। हाँ बेटा बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, किसी एक स्टूडेंट ने लिखा 135 को 90 इंटू 1 प्लस 45, दूसरे स्टूडेंट ने लिखा 90 इंटू 2 माइनस 45, मतलब यहां इस केस में एन क्या है, ओड है। एन क्या है, ओड है, और इस केस में क्या बेटा, इसमें एन क्या है, इवन है। ठीक है, अब बात करते हैं एन ओड या इवन। सपोज करके आपने कोई कोई भी एक मान लो कि आपको पार्टी में जाना, आपने पार्टी वियर पहना और किसी ने ये बोला बेटा नहीं यार ये तो ओड सा लग रहा है, क्या लग रहा है, ओड लग रहा, तो ओड लग रहा, तो आप उसको क्या करोगे, चेंज करोगे। ओड लगेगा तो उसको क्या करोगे, चेंज करोगे। ओड होगा तो क्या करोगे बेटा, आपको चेंज करना है, ध्यान रखना है। और इवन है तो नो चेंज। अच्छा सर इतना तो समझ में आया कि अगर वो डिपेंड करता है हमारे पे कि हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, n क्या वैल्यू 90 प्लस माइनस थीटा के टर्म्स में, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, अगर किसी ने 1 लिखा तो वो ओड हो जाएगा, किसी ने 2 लिखा तो इवन हो जाएगा, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट मी टेल यू, अगर सर हमने मान लो कि इवन माना तो नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं, अगर ओड हो जाए तो चेंज कैसे करेंगे। इफ n इज ऑड देन अकॉर्डिंग टू व्हाट कांसेप्ट वी विल चेंज। सी n अगर ओड है आपका तो हम क्या करेंगे बेटा, उसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, किस में, कोस, और कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, सिंपल ध्यान रखना। अच्छा नेक्स्ट, अगर ओड चेंज है और मेरा फंक्शन साइन का ना है, साइन का है तो ओड है तो कोस में हो जाएगा, कोस का है तो साइन में हो जाएगा। अगर सपोज करके मेरा फंक्शन जो है वो टेन का है तो टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा यूज कर लेते हैं, तो टेन किस में यूज हो जाएगा, टेन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कोट में, और कोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में। अच्छा अगर मान लो मेरा साइन कोस नहीं है, टेन नहीं है, कोट नहीं है, अगर सेक है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सेक थीटा जो है किस में हो जाएगा, कोस सेक में, और कोस सेक किस में हो जाएगा, सेक में। सिंपली इतना समझ में आया कि हमारा जो गिवन एंगल है, सपोज कर द गिवन एंगल इज हैविंग द वैल्यू इज ग्रेटर देन 90, इज ग्रेटर देन 90, देन हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल इन करस्पॉन्डिंग टू एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। अब मुझे मान लो कि मुझे इसी 35 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सपोज कर इसी 35 के आगे मेरा जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल लगा है वो 35 के आगे मुझे मान लो कि साइन एंगल लगा है, सिंपल साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कि साइन 35 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है साइन 35 का और टेन 35 का सिंपली। अच्छा आपको बताना है साइन 135 साइन 135 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब आप बोलोगे कि सर हमने जो टेंथ में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो हमने सिर्फ 90 तक के एंगल्स पढ़े, बट फिजिक्स में बेटा आपको कोई भी एंगल दे सकता है, जरूरी नहीं कि 90 से छोटा ही एंगल हो ना, बड़ा हो सकता है। तो पहले स्टूडेंट ने लिखा इसको, सर पहला स्टूडेंट जो था स्मार्ट था तो उसने जल्दी से क्या किया कि मेरे को सर इसको मैं ओड बनाऊंगा, सर मुझे चेंज करना पड़ेगा और मुझे चेंज ना करना पड़े तो उसके लिए उसने लिखा साइन 90 इंटू 2 माइनस 45। अच्छा दूसरा स्टूडेंट थोड़ा सा था तो उसने ऐसा ही दिमाग लगा लिया, बोला कोई दिक्कत नहीं सर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45, सिंपल। अच्छा सर इसने बनाया तो इसने ओड बनाया तो कोई चेंज नहीं होगा, इसने कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा कोई चेंज नहीं होगा तो ये क्या बन गया बेटा आपका, ये बन गया साइन, तो ये टू, आप मेरे को कोई चेंज नहीं करना, अगर आपका जो ये इवन है टू क्या है, इवन है तो इवन एज इट इज रहेगा। अच्छा बात करते हैं तो ये थीटा जो बना है तो ये 45 लिख दूंगा मैं।
अब साइन देखना पड़ेगा कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये 135 कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप बोलोगे सर 135 सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कैसा, तो पॉजिटिव। साइन का वैल्यू कैसा, पॉजिटिव, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो मतलब पॉजिटिव रख देना कितना 45, 45 का वैल्यू होता बेटा 1/√2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लो कोई सेकंड स्टूडेंट था जो ये बोल रहा था कि नहीं सर मैंने तो 135 को ऐसे स्प्लिट किया 19:1+45, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये क्या आ गया बेटा, ओड आ गया। उसके अकॉर्डिंग ये क्या आ गया, ओड आ गया। अच्छा ये ओड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ओड आ गया तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, है ना। ओड आएगा तो किसमें चेंज होगा बेटा, साइन कोस में और कॉस साइन में। अच्छा साइन तो कोस में चेंज हो गया, वैल्यू क्या आया 45, वैल्यू क्या आया 45। अच्छा कोस 45, अब कोस 45 बेटा आप ये मत देखना कि ये कोस का फंक्शन हो गया ना, इनिशियली ये फंक्शन था किसका, साइन का, और साइन का फंक्शन 135 था वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, एएसटीसी, कौन एएसटीसी, तो सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव था। आपको सिर्फ वैल्यू इस फंक्शन से देनी है, साइन इस फंक्शन के अकॉर्डिंग देखना है, तो वैल्यू कोस 145, कोस 45 का वैल्यू √2, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड में साइन पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। देखो वैल्यूज सेम आएंगे, वैल्यूज सेम आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको किस टाइप से स्प्लिट कर रहे हो, फर्क उस बात से पड़ता है कि आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग साइन देखना पड़ता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर आपका ओड है तो आप चेंज करोगे, इवन है तो चेंज नहीं करोगे। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे यूज करना है।